स्मिता हियर, वेलकम बैक टू स्मिताज कॉर्नर। आज मैं आई हूँ मेरे दोस्तों से मिलने, मेरे बहुत ही पुराने दोस्त हैं उनसे मिलने मैं आई हूँ, तो सोचा क्यों ना आपके लिए भी एक वीडियो बनाऊँ और मेरे फ्रेंड से आपको मिलाऊँ। और मैं आज आई हूँ डेक पॉइंट में, मुंबई फर्स्ट एवर डेक व्यू पॉइंट, तो सोचा आपको भी वीडियो के थ्रू बताऊँ कि ये व्यू कैसा दिखता है। सो फॉर अ चेंज, फॉर अ ब्रेक, फॉर सीरेनिटी आप यहाँ पर आ सकते हैं। पर मैं आज यहाँ पे आई हूँ संडे को, तो इसके लिए संडे में बहुत रश है शाम के टाइम, पर बाकी के दिन अगर आप मॉर्निंग्स में आएंगे या वीकडेज में आएंगे तो यहाँ पे इतनी रश नहीं रहती। फॉर सीरेनिटी, फॉर अ चेंज, अगर आपको मुंबई के मुंबई में लेना है तो दिस इज द बेस्ट व्यू। मिलवाती हूँ मेरे फ्रेंड से जो आज मेरे साथ है और जो मेरी बहुत पुरानी दोस्त है। ये है चारू, मेरी बहुत पुरानी दोस्त है। हमने एक ही नाटक था रत्नाकर मत्करी का, ड्रामा में काम किया था, तब से हम एक दूसरे को पहचानते हैं और तभी हमने बहुत सारी मस्ती की है, एक साथ रहे हैं, बहुत 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 मजा किया है ना चारू। ये हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है, कॉलेज के टाइम से। ये हमने बहुत मजे किए हैं ना सुमिता। ये जब ड्रामा के प्रैक्टिस होती थी तभी, माय गॉड कितने मजे किए थे हमने। और हम एक दूसरे के घर पे जाके भी इतना देन रहते थे, बहुत मजा किया, बहुत मजे। और मैं और ये बहुत दादर घूमते थे तभी पूरा एरिया। और ये हमारा जो ड्रामा था उसके लिए वो सिंगर थी, वो गाना गाती थी। ये बहुत ही अच्छी सिंगर है, बहुत अच्छा गाना गाती है। अभी आज हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए एक दो लाइन्स। हाँ, तो दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा, चांद तारों को छूने की आशा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आशा। देखा कितना सुंदर आवाज़ है, मधुर सा। और एक मेरा फ्रेंड है जो हमारे साथ आया है, अभी वो कैमरामैन का काम कर रहा है क्योंकि शूटिंग कोई कर नहीं सकता है, अभी उसे मैं आपको मिलवाती हूँ। ये है आरजे राहुल पिंगड़े। हाय। ये हमारे ड्रामा में भी काम करते थे और प्लस ये डबिंग करते हैं, वॉइस डबिंग, और उसके साथ साथ ड्रामा में डायरेक्शन करते हैं और जॉकी भी है, राइट? और ये मेरी बहुत अच्छी दोस्त है जो
20 साल के बाद मुझे मिली थी और मिली तो बहुत ही ड्रेस्टिक चेंज था। और अभी पिछले दो सालों में आप लोग जानते होंगे कि इन्होंने एक बहुत ही बढ़िया YouTube चैनल शुरू किया है जो आप सब लोग स्मिताज कॉर्नर करके, और वो जो स्मिताज कॉर्नर है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैं हर एक एपिसोड देखता हूँ और मुझे आई फील प्राउड ऑफ हर बिकॉज सब अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो अपने घर की फैमिली की होती है वो संभाल के इतनी शिद्दत से इतनी टाइमिंग निकाल के करना इज नॉट ए जोक। और वो लगभग दो साल से पिछले दो साल से कर रही है और हमें वो एक स्पेशल एपिसोड भी करना है आगे जाके। उस एपिसोड में शायद मैं इसका इंटरव्यू लूंगा। और उसने जो डेडिकेशन किया है इस यूट्यूब चैनल के लिए, वो कैसे किया है, उसने कितना स्टडी किया है, वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन फिलहाल आज सिर्फ इंट्रो दे रहा हूँ मैं और वो कि हम लोग अच्छे दोस्त हैं और आपसे यूं ही मिलते रहेंगे साथ में और बाद में भी।